fede la Dumnezeu. Până când ziua altă la zi închid ochii, o zi, o ceai, nu te ceai, te zi fermele, te zi reviu că este în directele, or, ca o prețe de bani, mi-am băcat la unul de prețe, să zmo că vii, să jumă chie, eu ai să ceai, nu e uai, în rezi că vii master de, te bădă ea, mi te. रेडियो मैं समझता हूँ हमारी जो एक बड़ी तहजीब थी और बड़ी तहजीब जो पूरा हिंदुस्तान की तहजीब और इन खत्तों में भी रहने वाले जाहिर है कि भी बाबा फरीद और शाह लतीफ और मुल्ले शाह और इन सब के होते हुए जो छोटी तहजीब तो हमारी इस पाकिस्तान की और वाजिद शाह और मीर मोहम्मद जैसे लोग यहाँ पैदा हुए और जाहिर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तहजीब है इस तहजीब की कोई आखिरी शक्लें हमारे पास रेडियो की शक्ल में ही नजर आती थी. हर बड़ा आदमी रेडियो पे था, चाहे वो शायर है. मसलन बड़े गुलाम अली खान और रोशन आरा बेगम भी रेडियो पे ही होते थे. दुनिया के सबसे बड़े गायक क्लासिकल मौसीकी के. आज भी मैं नहीं समझता कि कोई कह सकता है कि बड़े गुलाम अली खान से कोई बड़ा गायक पैदा हो गया या रोशन आरा बेगम से. तो उस रेडियो की जो तरबियत थी मैं तो उससे बहुत महरूम रहा और उस वहां जो साजिशें होती थी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी महरूम. हाँ वो बात में वो भी सिलसिला. लेकिन जिस तरह से डिक्शन पर मजाल है किसी की के उस दरवाजे से अंदर आके किसी रेडियो के किसी ड्रामे ने किसी गाने ने कोई जरा सी तलफ्फुज़ किया गलती कर जाए और उसके लिए अलग लोग थे. सलीम गिलानी साहब जैसे लोग, दूसरे लोग. तो मैं जैसे खान साहब तो कोई कोई उर्दू स्पीकिंग आदमी तो नहीं है ना. उनको भी इवन आपदा परवीन भी गजल गाती थी इतनी शाइस्तगी से. तो कोई एक मैं इसलिए ये मैं रेडियो में तकरीर करने तो नहीं आया लेकिन जिस तरह से पूरी तहजीब के सारे सिलसिले जो हैं वो बहुत ही इनात और पस्ती का शिकार हो रहे हैं उसमें एक बड़ा नुकसान हमारे रेडियो का हुआ. और मतलब और ये कोई नई बात नहीं, होता है. मीडियम तब्दील होते रहते. रेडियो आलमों का एक मरकज था और उनमें से बहुत से ऐसे बुजुर्ग थे जिनसे मैंने बैठ के घंटों किस्से सुने कि रेडियो किस तरह का था, कमरे के सामने कैसे डांट कैसी पड़ती थी. और आजकल जो हम सब जो जबान बोलते हैं उस जमाने में बाकायदा जुर्म की हद तक इस तरह की जबान बोलने को जुर्म समझा जाता था. उसके बाद टीवी आ गया. टीवी का मीडियम बिल्कुल फर्क था. उसमें कंटेंट की तो अहमियत थी लेकिन उससे भी ज्यादा वो जो किरदार नजर आते थे, आपका चेहरा, योर बॉडी लैंग्वेज, योर फेस एक्सप्रेशन, योर मूवमेंट, एवरीथिंग काउंट. तो शुरू में तो सारा टीवी भी रेडियो रेडियो वालों ने, भाई तलत हुसैन हो, जो भी हो, इकबाल लतीफ हो, सभी रेडियो से निकले थे और इनकी आवाज और उसका तो इनको तजुर्बा था. टीवी अभी एक हमने प्रोग्राम किया था जिसमें इशरत भाई थे. तो अभी एक नया नोहा चल रहा है कि टीवी खत्म हो गया. तो आप तो उस जमाने के लोग हैं जो रेडियो में थे. आज वो जमाना चल रहा है कि वो कह रहे हैं टीवी खत्म हो गया है. तो मीडियम तो खत्म होंगे फैजी साहब, मीडियम खत्म होंगे, कॉन्टेंट कभी नहीं मरेगा. चाहे वो रेडियो पे हो, किताब पे हो, टीवी पे हो, नेटफ्लिक्स पे हो, या कल को ये दीवार पे आप फूक मार के तस्वीरें बनाना शुरू कर दें, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए. लेकिन जो फलसफा है, जो लिटरेचर है, जो मौसीकी है, वो तो लेकिन जो तमाशा है ना, वो तमाशा तो लगना है. उस तमाशे को कोई किसी ने तहरीर भी करना है, उसको किस उसके कैरेक्टर को किसी ने जिंदा भी करना है. तो ये सारा काम तो होगा. मैं कमर भाई को बहुत ज्यादा नहीं जानता था, मेरे मुझ पर उनके एहसानात हैं. मतलब ये कि मैं तो एक बिल्कुल अननोन था आदमी और अभी भी खासा हूं. लेकिन अब थोड़ा सा मैं उससे काम ले रहा हूँ, कसम मैं उसी से इतना भी अननोन नहीं रहा. लेकिन शुरू में तो था. और शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया और ये सारी चीजें हुई तो मुझे ये हैरत हुई कि मुझे कुछ लोगों ने आके उनके कॉलम दिखाए कि मेरे बारे में उन्होंने वहां न्यूयॉर्क से या न्यू जर्सी में जहां रहते थे, ये जो आर्ट्स काउंसिल का ये सारी सूरत हाल है, वो बाखबर थे. दो या तीन कॉलम मैं कभी उनसे मेरी बात नहीं हुई, कभी नहीं.
ऐसे मुलाकात हुई होगी कि किसी मजलिस में बैठे हैं तो मैं भी वहां मौजूद हूं। तो तीन कॉलम लिखे, फिर फोन करना शुरू किया, तो मैं तो नहीं जानता था उन्हें, लेकिन वहां मतलब कम से कम दो ढाईयों से ज्यादा वहां रहने के बाद भी आप अपने वतन से, उसके अदारों से, वहां क्या हो रहा है उसके साथ इतना कनेक्शन। और मैं डायरेक्ट ना उसकी तकलीर करूं, मैं इनके साथ यहाँ रहा हुआ, मैं तो नहीं देना। लेकिन मैंने फिर सुना, मैंने फिर उनके दोस्तों से मैं मिलता था, मैंने आज भी बहुत देर बातें की बाल लतीब से, ये भी उनको सारी उम्र से जानते हैं। वहां भाई सादत जाफरी बैठे थे, वो हैदराबाद का डाखाना निकल आया कि इनके उनके ताल्लुकात उनको सारा। और पराचा साहब ने मुझे बताया कि ये टीम मेट थे, कल पराचा साहब की बेटी का निकाह था जहां ब्रजी साहब और मैं दोनों मौजूद थे, कि भाई वो मतलब ये दोनों एक इस बला के मुकर्रर भी थे। और उस जमाने में बगैर बूंदे के या बगैर कंटेंट के मुकर्रर नहीं होते थे, आप वाफे मकदार में पाए जाते, जैसे फैजी साहब आली शान मुकर्रर थे, रिजवान साहब भी डिबेट किया करते थे। लेकिन उस जमाने में एक एहसास था कि अपने जहल को छुपाने का एक एहसास था फैजी साहब, अब जहल को आम करने की रिवायत है, और इतनी आम करने की रिवायत है जिसकी वजह से टनों का आवाज जाया होता है। ताजा का एक बहुत सारी दुनिया में जुमला यह हुआ कि दूसरे मुल्कों में जिन कामों के सजाएं मिलती है, हमारे यहाँ उन कामों पर पीएचडी की डिग्री दी जाती है। तो ये मैंने एक दफा डॉक्टर असलम फारूकी साहब ने सबसे ज्यादा लोगों को पीएचडी कराया, तो उन्हीं के एक नालायक शागिर्द की पीएचडी की डिग्री के प्रोग्राम में ऊपर ही यहाँ में बैठे हूँ। उन्होंने रेडियो के 30-35 साल के रिसालों में रोज क्या होता था वो मरतब कर दिया, उस पर उनको पीएचडी। तो मैंने उसमें कहा कि मुशफ साहब, मैंने डॉक्टर साहब से बहुत तमीज से, लेकिन मैंने कहा कि ये आपकी डिग्री की मुकद जो है खत्म हो गई। फैजी साहब जब हम लोग पढ़ते थे ना, और हमें ये पता चलता था कि लाइक ही इज डॉक्टर इन हिज सब्जेक्ट, फलसफे में है, फिजिक्स में है, फिका में है, नर्व में है, मैथमेटिक्स में है, अदब में है, तो यूं सर करके भी आप होने लगते थे। मतलब मास्टर का मतलब है कि मास्टरी है, आपको सब आता है, और डॉक्टर का तो मतलब है कि अंदर और बाहर का सब पता है आपको। खुदा की कसम ऐसी पीएचडी की डिग्रियां बांटी जा रही है कि अगर ये 1960-65 में बैठे के इंसान में बैठते तो जरूर तय हो जाए। तो इतना एक पस्त हुआ है एक मिहार, और मैं ये नहीं कहता मैं तो उसमें शामिल हूं, उस पस्ती के दरिया का मैं भी एक मुसाफिर हूं। ऐसे में एक आदमी इतना हम देता आदमी सर तकरीर भी कर रहा है, आमतौर पर जो तकरीर करते हैं वो अपने सारी फीलिंग, सारे जज्बे, सारा कुछ, क्योंकि जब आप गुफ्तगू कर देते हैं तो आपकी स्ट्रीम है ना सर, जो आपसे लिखवाती है, जो कराती है, वो उसको एक आउटलेट मिल जाता है। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि जितने बड़े अदीब हैं वो निस्बतन तकरीर पर ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि फिर वो लिखते, लेकिन ये इतने सोशल आदमी भी, बच्चों के लिए ड्रामे भी लिखे, शानदार सफरनामे भी लिखे, इतनी दोस्तियां कमाई, इतना रेडियो पे काम किया, और इतनी वर्सिलिटी का एक आदमी। तो मैं समझता हूँ कि और फिर ये जो अपने उनके जो दो अहबाब थे या जिनसे मिलने वाले थे, ये जो जाने वाले, ये जो हमने जैसे किया हुआ याद रखना का, और ये बहुत जरूरी है, ये एक नस्ल को दूसरी नस्ल तक जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप सामने बैठे तो मैं आप ही से मुखातिब हो रहा हूँ, आप यकीन माने अब नहीं जानते लोग, मैं भी जो नाम ले रहा होता हूँ ना रोज ही लेता हूँ, मुझे तो मैं पता है उर्दू कॉन्फ्रेंस में, ओपनिंग में, क्लोजिंग में, फरमान फतेहपुरी अबुल सिद्दीकी, सलीम जमान सिद्दीकी, सबके नाम लेता रहता हूँ, इनके साथ शमशीरुल हैदरी, इब्राहिम जो है, सिराजुल हक मेमन, डॉक्टर नबी बख्श बलोच, इनका भी बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आप यकीन मानिए कि पहले होता था कि इनका इलम सतही है, अब वो सतही भी इतना सतही हो गया है कि सतही का लफ्ज भी बेमानी हो गया है। ऐसे में जिस तरह ये जुड़े हुए हैं, और वो रोमांटिक आदमी तो जरूर होंगे, जिस तरह से उन्होंने लीलोबाजी से शादी की और जिस तरह का वो सारा सिलसिला था, और रोमांटिक तो
आप ही होंगे भाजी साहब कभी ना कभी जितना भी छुपाए। हाँ, इसलिए कि रोमांस के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता सर जिंदगी में। तो मामला ये इश्क है, चाहे अल्लाह की तरफ निकल जाए, किसी और महबूब की तरफ निकल जाए, किसी काम में साइंटिस्ट बने, शायर बने, अदीब बने, सर ये जो फितरत है, इसका जो हुस्न है, अगर आपने डिस्कनेक्ट किया हुआ अपने आप को इससे, तो फिर तो आप लकड़ी के इंसान है और पत्थर की जबान लिखते हैं। फिर तो फीलिंग तो आप सिर्फ उस वक्त लिख सकते हैं कि आपके अंदर हुस्न और इश्क दोनों मौजूद हो। अगर हाँ बिल्कुल, उसके बगैर कैसे लिख सकते हैं। देखिए मैं तो लिखता हूँ और यकीन माने बिल्कुल हम्बल होके नहीं कह रहा, और शहर भाई को खास तौर पर पता है कि मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे मेहमान खुसूसी बनाए, और आज शाम से मैंने बैन कर दिया है क्योंकि हर आदमी कहता मैं ये फंक्शन की इजाजत देते हैं आप मेहमान। मैंने कहा मैं यहाँ मेजबान खुसूसी हूँ, आपकी खिदमत के लिए कभी किसी तकलीफ में नहीं बना। ये जिलोबाजी की पसंद की ख्वाहिश नहीं है इनकी, मैंने कल इनकी भी मिन्नत की कि मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा, आप बोलेंगे तो बोलूंगा। ये और एक और भी आखिरी बात यह है कि बुजुर्गों को तो सदर बनाना चाहिए, रिवायत ही खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो दुनिया के सारे इंसानों को बराबर समझता हूँ। ये एक से एक शानदार लोग यहाँ बैठे हुए, मैं मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हमारे बुजुर्गों की रिवायत बहुत अच्छी है, लेकिन आमतौर पर क्यों खत्म होनी चाहिए? आमतौर पर किसी माँ मतलब किसी मतमल या जाओ मनसब वाले आदमी को मेहमान खसूसी बनाया जाता है, जो किसी इल्मी मजलिस के मेहमान खसूसी का अहल नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि रिवायत मेहमान खसूसी की तो खत्म हो, सदारत बहुत सदारत आप जो सबसे अहल है उनको सदर करें, और मैं तो एक प्रेसिडियम बनाता हूँ, 20 लोग बैठाता हूँ अपनी मजलिस सदारत में, तो साथ बैठते थे सारे अमर जलील हो या हाजरा मसरूर, इस तरह के 20 लोगों को एक साथ बैठाता था। हमने प्रीमियम की रिवायत डाल दी कि अपने सारे बुजुर्ग जिन्होंने अपने अपने शोबों में काम किया है, एक सदर के बजाय 20 सदर भी हो सकते हैं, इकतदार का कोई झगड़ा है नहीं। तो बहुत लंबी मैंने तकरीर कर ली, मैं सिर्फ अपने एक ख्याल को मतलब एक जिसको कहते हैं ना लाउड थिंकिंग या वो बात कर रहा था, और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा क्लब का तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा घर है ये इतना ही मेरा, आर्ट काउंसिल से ज्यादा मेरा है, ये सबसे पूछ लीजिए यहाँ से वहां तक जितने भी हैं, और मैं अभी भी इनको धमकियां चमकियां देता हूँ बिल्कुल इसी तरह से। असल में मैं यहाँ आया था कराची यूनिवर्सिटी के बाद, मैं कुछ 15-20 बरस यही बाहर बैठा, मेरी तरबियत में कराची यूनिवर्सिटी का इतना हाथ नहीं जितना इस अदारे का हाथ है, और इस मुल्क के और दुनिया के सारे बड़े लोग यहाँ बाहर बैठे हुए मुझे मिले, चाहे वो पॉलिटिक्स के लोग थे, चाहे वो फलसफे के लोग थे, चाहे कोई और लोग थे, ये बाहर जो एक जगह है जहाँ भी मैंने देखा तौसीफ साहब बैठे हुए हैं, वो सारे बैठे हैं, सुरखे भी बैठे हैं, सबसे भी बैठे हैं, ये भी यहाँ की रिवायत है कि जो भी नजरिया आपका हो, इन्होंने एक छोटा सा हाइट पार्क क्रिएट किया था, उसी हाइट पार्क को मैंने बड़ा कर दिया है, और वो यही की तरबियत है, यही मैंने देखा कि हुक्मरानों के सदर माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर उनकी एंट्रियां बैन थी कराची प्रेस क्लब के अंदर, वहां मैंने ये भी देखा कि सलीम आजमी साहब सदर हैं और वो जा रहे हैं और किसी जयालिक की ठोकर से लड़खड़ा गए, बेनजीर भुट्टो समेत सबको कराची प्रेस क्लब से निकाल दिया गया। मैं वहां मौजूद था, रात को यहाँ डेलीगेशन आया अमीर भाई एक से एक, और सबने बाकायदा माफी मांगी। तो ये एक बड़ी रिवायत की जगह है, और मैं इस रिवायत और इस अदारे का एक सबूत हूँ, इस अदारे का मेंबर भी हूँ अदना वाला, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो वो दूसरी वाली मेंबरशिप मैंने इनकी ली हुई है। तो ये बहुत ही जबरदस्त ये अदारा काम कर रहा है, और आज शाम तक वो ये अपना एक्सटेंशन समझ ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसका एक्सटेंशन बहुत बहुत शुक्रिया।